हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी वजह से हमारी यूनिट 5 चल रही थी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ लिया? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद हमने पढ़ा उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, डायटोमिक और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल को लेकर, या फंडामेंटल वाइब्रेशन। और उसके बाद क्या पढ़ा था लास्ट हमने? नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है प्रिंसिपल, कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस सिद्धांत पर हमारा काम करती है। ठीक है, किस सिद्धांत पर वो वर्क करती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा? जो आईआर रेडिएशन होगी, जो हम किसी मॉलिक्यूल पे आईआर रेडिएशन डालेंगे, तो वो क्या करेगा, जो एटम है या मॉलिक्यूल या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, जब हम उसको क्या देंगे, आईआर रेडिएशन डालेंगे, तो वो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा और वो लोअर एनर्जी से, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इससे वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर से हाइयर में जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और अगर हाइयर से लोअर में आ रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यही जो स्पेक्ट्रा होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से या इमिशन करने से, और इससे जो हमें एक वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की जो लाइट मिलती है, उसी को हम आईआर स्पेक्ट्रा या फिर आईआर स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या है प्रिंसिपल। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ आईआर रेडिएशन, जब हम क्या करते हैं आईआर रेडिएशन का जो फोटोन है, द मॉलिक्यूल्स, जब कोई मॉलिक्यूल है उस पर आईआर रेडिएशन का फोटोन डाला, उसने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर वाइब्रेशनल टू हायर वाइब्रेशनल लेवल। तो क्या करेगा, लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो एनर्जी क्या हुई हमारी, एब्जॉर्ब हुई, और बैंड इंक्रीज, उससे क्या होता है कि जो बैंड होते हैं हमारे आईआर स्पेक्ट्रम में, जो बैंड होंगे वो क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब कोई मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी का, तो उसमें जो नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ आईआर लाइट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। एक क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉटेड करते हैं किसके बीच, जो हमारी एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन हो रहा है उसके बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं आईआर लाइट के अगेंस्ट। तो क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हमें एक लाइट मिलती है, जो कि क्या होती है, आईआर स्पेक्ट्रम, जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा यूज्ड इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, तो बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज किसमें करते हैं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने में या उसके आइडेंटिफिकेशन में। तो ये चीज है, जो आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है वो क्या यूज, उसका यूज हम किसमें करते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जो हमारा कोई अननोन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा का। फॉर अ वाइब्रेशन द रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन इट मस्ट चेंज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जब वाइब्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, जब भी वाइब्रेशन जब होगा तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन हमारा कब होगा, जब डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा मॉलिक्यूल के। द डाइपोल मोमेंट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है वो कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है, एंड इट्स यूनिट इज डिवाई, और इसकी जो यूनिट होती है वो कैसे, क्या होती है, डिवाई, इसकी डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो इसमें यह था। और देखो मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशन, जब मैंने आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि ये आईआर एक्टिव होंगे, अगर ये कंडीशन कोई मॉलिक्यूल हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो वो आईआर एक्टिव होगा, नहीं कर रहा तो आईआर इनएक्टिव होगा। तो वो कंडीशंस मैंने आपको मेनली पॉइंट में तो बता दी, आज मैं उसे अच्छे तरीके से थ्योरी में लिखा दूंगी, क्योंकि अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट में उसके ऊपर कि भाई रिक्वायरमेंट्स लिखो आईआर स्पेक्ट्रा के लिए, कि ये कंपाउंड आईआर स्पेक्ट्रा दिखाएंगे या आईआर एक्टिव होंगे या फिर आईआर इनएक्टिव होंगे, तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट पता होगा, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, आईआर इनएक्टिव, और जो हेट्रो एनुलर होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, आईआर एक्टिव। ठीक है, ड्यू टू डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, इसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसकी क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी ना, तो कंडीशंस बता दी थी कि कौन कंपाउंड हमारा आईआर एक्टिव होगा, कौन आईआर इनएक्टिव होगा। तो अगर मान लो आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो आपको उसके लिए थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो मैंने इसलिए अब इसको थ्योरी में मैं करा दिया। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, वो तो आप लोगों को मैंने पॉइंट पॉइंट के थ्रू बता दिया था कि भाई ये पॉइंट है, अगर हमारा कोई कंपाउंड आईआर
एक्टिव या इनएक्टिव हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए कंडीशंस बता दी थी। बट अगर आपके आपका आता है शॉर्ट में क्वेश्चन, तो आप उस थ्योरी को पूरे को लिख सकते हो, ठीक है। और अगर जिन बच्चों का आता है मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप ऑब्जेक्टिव में तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैंने लास्ट में लिखी है। देखो पहले हम इसकी कंडीशन देखते हैं, वही जो सेम मैंने आपको बताई थी सेम वही है। रिक्वायरमेंट फॉर अ मॉलिक्यूल टू आईआर एक्टिव, आईआर एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो एन आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए मॉलिक्यूल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? फर्स्ट इज दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। जब हमारे किसी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है उसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा कैसा होगा, आईआर एक्टिव होगा। तो देखो होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो मीन सेम, डायएटॉमिक दो एटम, तो क्या होगा अगर हमारे सेम एटम है, दो सेम एटम है हमारे, जैसे लाइक H2O2N2, ये कैसे हमारे होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक, तो डू नॉट शेयर हैव अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट। तो इनमें क्या होगा, आप देख रहे हो H2 है, H2 जो होता है वो हमारा ऐसे होगा, देखो H2, तो आप देख रहे हो डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल पे अगर हमारा क्या होता है डायपोल जनरेट हो रहा है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और उनपे जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है डायपोल मूवमेंट। तो आपको दिख रहा है कि अगर देखो इनका बॉन्ड H और H ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं बनेंगे, डायपोल नहीं बनेंगे। अगर हमारा मान लो HCl होता तो उसमें क्या हो जाता है, H हमारा पॉजिटिव बन जाता है और Cl हमारा नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या होता है डायपोल्स होते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनपे क्या हो जाता है चार्ज जनरेट हो जाता है जब इनका बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, क्योंकि Cl हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और H हमारा कैसा है लेस, तो क्या होगा तो Cl पे हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जिससे Cl माइनस हो जाएगा, H पे क्या आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, तो क्या बन गए हमारे डाइपोल्स बन गए, इन पे चार्ज आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा देखो दोनों पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगे, तो क्या होगा तो कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा डायपोल्स नहीं होंगे, तो डायपोल्स नहीं होंगे तो डायपोल मूवमेंट भी नहीं होगा। तो होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे H2O2N2 डू नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट, इनमें क्या होता है परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, नॉट डज द स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, और इनके बीच का जो होगा स्ट्रेचिंग जो होगी वो भी नहीं होगी, इन बॉन्ड्स के बीच जो स्ट्रेचिंग होगी वो भी नहीं होगी। चेंज द डायपोल मूवमेंट फ्रॉम जीरो, जो डायपोल मूवमेंट में चेंज होगा वो कैसे हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होगा या परमानेंट नहीं होगा। मान लो हम इनमें डायपोल मूवमेंट जनरेट भी करा दें तो वो परमानेंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होता है डायपोल मूवमेंट में परमानेंट नहीं होगा, जिससे चेंज डायपोल मूवमेंट में जो चेंज होगा वो कैसा होता है जीरो होता है। सो होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल डू नॉट शो आईआर स्पेक्ट्रा, इसलिए होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। ऑन द अदर हैंड अब दूसरी तरफ बात आती है जैसे हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज, हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि डिफरेंट न्यूक्लियस वाले या डिफरेंट न्यूक्लियर एटम, डायएटॉमिक यानी कि दो डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल, तो क्या होंगे हमारे हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CO, NO, देख आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम है, सी अलग है ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर NO, ऐसे यहाँ पर CN, तो इनमें क्या होगा शोज अ डायपोल मूवमेंट, तो ये क्या करेंगे डायपोल मूवमेंट शो करेंगे। भाई देखो जैसे CO है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा कौन सा है ऑक्सीजन, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो इनमें क्या है डायपोल्स है, डायपोल्स अगर हम इनके बॉन्ड बीच का बॉन्ड तोड़ दे तो इनपे डायपोल जनरेट इनपे जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जब होगी तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो डायपोल जनरेट हो रहे हैं तो डायपोल मूवमेंट है इनमें। तो ये क्या करेंगे विद चेंजेस व्हेन द बॉन्ड लेंथ चेंजेस, इनमें क्या होगा कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, डायपोल मूवमेंट अगर है किसी एटम में तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी तो चेंज होगी, तो दैट्स व्हाई दे शो आईआर स्पेक्ट्रा, इसलिए क्या शो करेंगे आईआर स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे। दस होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक आर आईआर इनएक्टिव, जो होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, व्हाइल हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आईआर एक्टिव, और जो हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे आईआर एक्टिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है जिनका वो नहीं आएगा क्या बोलते हैं थ्योरी का नहीं आता अगर क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव वाले बस ये बात याद रखेंगे कि देखो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे आईआर इनएक्टिव,
वाइल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे हमारे आईआर एक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये बात याद रखनी है, और अगर थ्योरी में आता है लिखने के लिए तो आप ये पूरी थ्योरी लिख देंगे, ठीक है, यहां तक नोट करें। तो बच्चों इस लेक्चर में इतने ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस लेक्चर में हमने एक तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ा, यानी कि किस सिद्धांत पर हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि जो हम कोई रेडिएशन डालेंगे किसी मॉलिक्यूल पर तो वो से क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, इमिट भी कर सकती है। एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा एक्साइट हो जाएगा, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिला, और जब हायर से लोअर में आएगा तो क्या मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है आईआर रेडिएशन के कारण, इसे क्या बोल देते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा या फिर आईआर स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये चीज थी। और फिर हमने क्या पढ़ा, इसका रिक्वायरमेंट्स पढ़ी मॉलिक्यूल्स की, कौन मॉलिक्यूल्स हमारा आईआर एक्टिव होगा और कौन मॉलिक्यूल्स हमारा आईआर इनएक्टिव होगा। तो जो हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं, और जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि डायपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, या डायपोल मूवमेंट उनका परमानेंट नहीं होता, ठीक है, जिससे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। और क्या होगा, वो कंपाउंड्स कैसे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स आईआर इनएक्टिव होंगे। और अगर हमारा डायपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी उनकी चेंज होगी, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होगा वो शो करेगा आईआर एक्टिव या आईआर स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे होते हैं, आईआर इनएक्टिव, और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे होते हैं, आईआर एक्टिव ड्यू टू डायपोल चेंज इन डायपोल मोमेंट में चेंज के कारण, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में ये सब चीजें पढ़ी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चे पढ़ेंगे हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। इसमें 2-3 टॉपिक्स और है, फिर इसके बाद हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो उस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। उनकी जो प्राइस होगी वो 98 रुपीज होगी फुल कोर्स की, ठीक है। और एक बात बच्चे सिलेबस की, सिलेबस आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।